आई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैंने पिछले कुछ दिनों में वीडियोज़ नहीं डाले हमारे डीप लर्निंग प्ले लिस्ट में बट कोई बात नहीं हम आज से रिज्यूम कर रहे हैं आज हम uh, एक टॉपिक के ऊपर uh, काम करेंगे uh, टॉपिक का नाम है लॉस फंक्शंस इन डीप लर्निंग सो so, आई गेस अगर आपने मशीन लर्निंग में काम किया होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि uh, लॉस फंक्शंस क्या होते हैं ठीक है तो जिस तरीके से लॉस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके मशीन लर्निंग में सिमिलरली आपका लॉस फंक्शन डीप लर्निंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम जो अगला टॉपिक करेंगे बैक प्रोपगेशन जहाँ पे हम सीखेंगे कि एक डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लॉस फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है इन अ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर तो आज की वीडियो में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगा कि लॉस फंक्शन क्या होता है डीप लर्निंग में वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अलग अलग टाइप के लॉस फंक्शंस दिखाऊंगा जो डीप लर्निंग में होते हैं और फिर जो डीप लर्निंग में पांच सबसे ज़्यादा यूज होने वाले लॉस फंक्शन्स हैं उनके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ठीक है तो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो so, गाइज हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि लॉस फंक्शन होता क्या है ठीक है सो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है लॉस फंक्शन इज अ मेथड ऑफ इवेलुएटिंग हाउ वेल योर एल्गोरिदम इज मॉडलिंग योर डेटा सेट इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा लॉस फंक्शन का बहुत ही सिंपल है लॉस फंक्शन एक मैकेनिज्म है जो आपको ये बताता है कि आपने जो एल्गोरिदम अपने डेटा सेट के ऊपर लगाया है वो कितना अच्छा काम कर रहा है या कितना खराब काम कर रहा है ठीक है वो तरीका है मेजर करने का आपके एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को ठीक है सो लॉस फंक्शन का अगर जो आउटपुट है वो बहुत बड़ा है तो इट बेसिकली मीन्स योर एल्गोरिदम इज परफॉर्मिंग पुअरली अगर आपके लॉस फंक्शन का जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल आ रहा है इट बेसिकली मीन्स कि आपका एल्गोरिदम इज परफॉर्मिंग ग्रेट ठीक है अब होता क्या है लॉस फंक्शन इट इज़ बेसिकली अ मैथमेटिकल फंक्शन जस्ट लाइक एनी मैथमेटिकल फंक्शन लॉस फंक्शन भी एक मैथमेटिकल फंक्शन ही होता है ठीक है जिस तरीके से ये एक फंक्शन है x का सिमिलरली जो लॉस फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के पैरामीटर्स का सो so अगर आप पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हो लॉस फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मान लो आप लीनियर रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हो जहाँ पे आपके पास इस तरह का कुछ डेटा है और आप इसके ऊपर एक लाइन फिट करने का ट्राई कर रहे हो ठीक है अब यहाँ पर इफ़ यू रिमेम्बर हमने जो लॉस फंक्शन यूज़ किया था वो लॉस फंक्शन था मीन स्क्वायर एरर वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर ठीक है अब इफ़ यू थिंक इस लॉस फंक्शन में जो वाई आई है ये कैसे आ रहा है ये आ रहा है एम एक्स प्लस बी से या एम एक्स आई प्लस बी से और हमारा जो लाइन है ये उसका एम है और ये उसका बी है अब अगर आपको बेस्ट लाइन खोजना है तो आप या तो इस एम में चेंजेस करोगे या फिर इस बी में चेंजेस करोगे या फिर दोनों में चेंजेस करोगे तो यहाँ पे ये जो लॉस फंक्शन है ये एक्चुअली एक लॉस फंक्शन है एम और बी का तो आपके एम और बी में चेंजेस करने से लॉस फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा और आपको एम और बी का ऐसा वैल्यू खोजना है जिसके लिए लॉस फंक्शन का जो आउटपुट है वो मिनिमम आए यही करते थे हम और इसी के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट जैसे एल्गोदम्स को यूज़ करते थे बट द होल आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि लॉस फंक्शन एक तरीका है लॉस फंक्शन एक तरीका है ये बताने का कि आपका एल्गोरिदम कितना अच्छा या फिर कितना ख़राब परफॉर्म कर रहा है अगर लॉस फंक्शन का आउटपुट बहुत हाई है तो आपका एल्गोरिदम खराब परफॉर्म कर रहा है अगर आपके लॉस फंक्शन का आउटपुट बहुत छोटा आ रहा है तो आपका एल्गोरिदम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ठीक है आप लॉस फंक्शन का वैल्यू कैसे चेंज करते हो सिंपल है पैरामीटर्स को एडजस्ट करके आपके एल्गोविदम में जितने भी पैरामीटर्स हैं आप उनका वैल्यू चेंज करोगे और उसकी वजह से लॉस फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा ठीक है तो दिस इज द एंटायर थिंग मतलब ये आपने देख रखा है ऑलरेडी डीप लर्निंग में कुछ अलग नहीं होता लॉस फंक्शन बिल्कुल सेम चीज़ होती है ठीक है अब हमें डिस्कस करना है कि लॉस फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है वाई इज लॉस फंक्शन इंपॉर्टेंट अब लॉस फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये समझने के लिए आप इस लाइन को पढ़ सकते हो ये लाइन एक बहुत फेमस ऑथर हैं पीटर ड्रकर उन्होंने दिया था इसमें लिखा हुआ है यू कांट इम्प्रूव वॉट यू कांट मेजर जिस चीज़ को आप मेजर ही नहीं कर सकते उस चीज़ को आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते और ये परफेक्टली जस्टिफाई करता है लॉस फंक्शन का इम्पॉर्टेंस मशीन लर्निंग में सो मशीन लर्निंग में एंड ऑब्वियसली डीप लर्निंग में भी लॉस फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको मेजर करके बताते हैं कि आपकी गलती क्या है और उससे आपको समझ में आता है कि सही डायरेक्शन में जाना कैसे ठीक है मैं आपको पहले एक मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल दूंगा और फिर मैं आपको डीप लर्निंग में समझाऊंगा कि लॉस फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन का इन टू वेरिएबल्स तो कभी भी आप मशीन लर्निंग में क्या करते हो कि आपका जो मॉडल होता है वो एक रैंडम पॉइंट से स्टार्ट करता है ठीक है जैसे यहां पर ही मुझे बेस्ट लाइन फाइंड करनी थी तो आई वुड स्टार्ट विद अ रैंडम लाइन ठीक है अब मैं क्या करूंगा इस रैंडम लाइन का लॉस कैलकुलेट करूंगा या फिर आप बोल सकते हो मैं एरर कैलकुलेट करूंगा जो मुझे यह बताएगा कि मेरे प्रडिक्शंस कितने ऑफ हैं कितने गलत हैं और फिर उस बेसिस पे मैं एम और बी का वैल्यू चेंज करूंगा बेसिकली इस लाइन को घुमाने का ट्राई करूंगा इस लाइन को घुमाने का ट्राई करूंगा फिर मुझे जो नई लाइन मिलेगी मैं उसके लिए फिर से लॉस कैलकुलेट करूँगा और उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने अच्छा किया या खराब किया और उसके बेसिस पर मैं फिर से एम और बी को एडजस्ट करूँगा और ये पूरा प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक मैं अपने लॉस को मिनिमाइज़ नहीं कर देता और जैसे ही मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा सो इन अ वे आप बोल सकते हो कि मशीन लर्निंग में लॉस फंक्शन इस बेसिकली द आई आंख है ऑफ द एम एल एल्गोरिदम आपका लॉस फंक्शन ही बताता है आपके मशीन लर्निंग एलगोरिदम को कि जाना कहां है पैरामीटर की क्या वैल्यू सेट करनी है ये लॉस फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कोई भी मशीन लर्निंग एलगोरिदम देखो कोई भी प्रॉब्लम उठाओ रिग्रेशन उठाओ या क्लासिफिकेशन उठाओ हर जगह आपको दिखाई देगा कि आप अलग अलग लॉस फंक्शन यूज़ करते हो क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलने वाला सो so, अब मैं क्या करूँगा मैं आपको डीप लर्निंग में किस तरीके से लॉस फंक्शन यूज़ होता है वो दिखाऊँगा सो so, गईज अब लेट्स डिस्कस लॉस फंक्शन का क्या रोल होता है डीप लर्निंग में ठीक है और ये समझाने के लिए मैं आपके सामने हमारा जो बैक प्रपोगेशन एल्गोरिदम होता है जो हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जिसको यूज़ करके डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है so, सो होता क्या है मान लो हमारे पास ये डेटा सेट है वही सेम डेटा सेट जहाँ पर स्टूडेंट का सी है आई है और उसका पैकेज दिया हुआ है एल में ठीक है और ये रहा मेरा स्टूडेंट का डेटा आप क्या करते हो हर बार एक स्टूडेंट को उठाते हो आप एक स्टूडेंट को उठाते हो और इस स्टूडेंट को इस न्यूरल नेटवर्क में फीड करते हो ठीक है तो आपने यहाँ पे सेवन पॉइंट वन दिया और आपने यहाँ पे एट्टी थ्री दिया और यहाँ पे शुरू में आपकी जो वेट्स हैं इसमें कुछ रैंडम वैल्यूज़ होती हैं यू स्टार्ट विथ सम रैंडम वैल्यूज़ फॉर योर वेट्स एंड योर बाइसिस और अब आप क्या करते हो आप फॉरवर्ड प्रोपोगेसन करते हो जो मैंने आपको दो तीन वीडियोस पहले बताया था आप फॉरवर्ड प्रोपोगेसन करके क्या करते हो ये जो स्टूडेंट है इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो ठीक है तो पूरा मैट्रिक्स मैथ होता है जैसा मैंने आपको फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वाले वीडियो में बताया था और एक आउटपुट कैलकुलेट होता है फर्स्ट स्टूडेंट के और मान लो ये आउटपुट आया 3.7, ठीक है अब आपको क्या करना है कि आपको अपना एक लॉस फंक्शन चूज करना है जैसे ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है यहां पर हम मान सकते हैं कि हमारा लॉस फंक्शन इज दिस मीन स्क्वायडर ठीक है तो आप क्या करोगे आप ये निकालोगे ठीक है ये मुझे एक नंबर देगा जो बताएगा कि मेरा एल्गोरिदम ने इस स्टूडेंट के ऊपर कैसा काम किया अब डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर व्हाट आई विल डू इज आई विल गो बैक एंड आई विल एडजस्ट द वैल्यू ऑफ माय वेट्स एंड बाय बायसेस ठीक है मैं अपने वेट्स और बायसेस का वैल्यू एडजस्ट कर दूंगा कैसे करेंगे इसमें आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हो ये हम पढ़ेंगे आगे आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके वैल्यूज़ को चेंज करते हो ठीक है अब आपको नई वैल्यूज़ मिल गई आपके वेट्स और बाइसिस का अब आप सेकेंड स्टूडेंट को उठाओगे और सेकेंड स्टूडेंट को आप इस तरीके से इस न्यूरल नेटवर्क में भेजोगे फिर से आप फॉरवर्ड प्रोपिगेशन यूज़ करके आप उसका प्रडिक्शन करोगे फिर से उसको लॉस फंक्शन में डालोगे आपको एक नंबर मिलेगा और उस नंबर के बेसिस पे फिर से ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करके अपने वेट्स एंड बाइसेस का नया वैल्यू कैलकुलेट करोगे फिर से ये स्टेप रिपीट होगा थर्ड स्टूडेंट आएगा फॉरवर्ड प्रपोगेशन होगा लॉस कैलकुलेट होगा ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ होके वेट्स और बायसेस एडजस्ट होंगे और ऐसा प्रोसेस आप पूरे डेटा सेट के ऊपर करते चले जाओगे इन मल्टीपल ई एक से ज़्यादा बार आप करते हो ऐसा और इवेंचुअली द आइडिया इज मिनिमाइज द वैल्यू कमिंग आउट फ्रॉम दिस लॉस फंक्शन इसका जैसे मिनिमम वैल्यू मिल गया वही वेट्स और वही बायसेस आपके सही वेट्स एंड बायसेस होंगे तो अगेन यू कैन सी कि डीप लर्निंग में भी लॉस फंक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि मशीन लर्निंग में करता है ठीक है अब एक डिस्कशन हमें और करना है कि डीप लर्निंग में क्या क्या टाइप के लॉस फंक्शंस होते हैं ठीक है तो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ लॉस फंक्शंस जस्ट वन सेकेंड लॉस फंक्शंस इन डीप लर्निंग ठीक है तो इफ यू टॉक अबाउट रिग्रेशन रिग्रेशन में आपके पास कई ऑप्शन हैं जैसे कि मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया मीन एब्सल्यूट एरर हो गया लॉस हो गया इसके अलावा भी और कुछ लॉस फंक्शंस होते हैं बट हम इनके ऊपर ही फोकस करेंगे उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपके पास होता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी उसके बाद है आपके पास कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इसके अलावा हिंज लॉस भी होता है जो आपका एस में होता है अगर आप और अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स की बात करो जैसे अगर आप ऑटो इनकोडर्स की बात करो जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसमें आप केएल डाइवर्जेंस यूज करते हो इफ यू टॉक अबाउट गैन उसमें होता है डिस्क्रिमिनेटर लॉस या फिर यूज होता है मिनमैक्स गैन लॉस अगर आप बात करो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है डीप लर्निंग में वहां यूज किया जाता है फोकल लॉस और अगर आप बात करो एम्बेडिंग्स का जो कि अगेन हमने बहुत यूज भी किया है पास्ट में तो यहां पे यूज होता है ट्रिपलेट लॉस तो यू कैन सी कि डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो डीप लर्निंग में आपको अलग अलग लॉसेस मिलेंगे ठीक है इनफैक्ट आप खुद के लॉसेस भी बना सकते हो रिसर्चर्स यही करते हैं ठीक है इनफैक्ट केराज में आपके पास एक फंक्शनैलिटी है जिसको यूज करके आप अपने खुद के लॉस फंक्शंस भी इंप्लीमेंट कर सकते हो ठीक है तो फंडा बस इतना है कि लॉस फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम लॉस फंक्शन चेंज होते हैं हर लॉस फंक्शन का अपना एडवांटेज है अपना डिसएडवांटेज है आपको अपने हिसाब से अपने प्रॉब्लम के लिए सबसे सही लॉस फंक्शन खोजना होता है क्योंकि अगर आप सही लॉस फंक्शन नहीं खोजोगे तो आपको बेस्ट सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ठीक है तो ऑब्वियसली इस वीडियो में सिंस अभी भी डीप लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं हम ये सारे के सारे लॉस फंक्शंस नहीं देखेंगे बिकॉज इस पॉइंट पे सब कुछ डिस्कस करना इज नॉट लॉजिकल तो हम कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लॉस फंक्शंस जो अभी हमें यूज़ करने हैं आगे जाके हम उनके ऊपर फोकस करेंगे ठीक है मोस्टली रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन वाले ठीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना ये बेसिक लॉस फंक्शंस सो गाइज हमारे लॉस फंक्शंस को पढ़ने के पहले एक लास्ट टॉपिक में और डिस्कस करना चाहता हूँ कि लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है सो so, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन को सेम समझते हैं और उनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कभी वो उसको लॉस फंक्शन बोल देते हैं कभी उसको कॉस्ट फंक्शन बोल देते हैं बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं ठीक है ध्यान से सुनो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले सेटअप समझते हैं उसके बाद डिस्कशन करते हैं सो so, हमारे पास ये एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है और हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि गिवन सी जी पी एन आई मुझे पैकेज प्रिडिक्ट करना है ठीक है मेरे पास चार स्टूडेंट्स हैं ये उन चार स्टूडेंट्स का डेटा है और जब मैंने ये डेटा इस न्यूरल नेटवर्क में डाला तो ये मुझे प्रेडिक्शन मिला ठीक है अब देखो लॉस फंक्शन क्या होता है लॉस फंक्शन एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के ऊपर कैलकुलेट होता है जैसे कि मान लो आपने ये फर्स्ट स्टूडेंट को पकड़ा अब इस फर्स्ट स्टूडेंट का वाई आई कितना है सिक्स पॉइंट थ्री और इसका प्रोडिक्शन एज इन वाई आई हैट कितना है सिक्स पॉइंट वन अब यहाँ पे आपका जो लॉस फंक्शन है वो होगा वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर सो इस केस में इट वुड बिकम सिक्स पॉइंट थ्री माइनस सिक्स पॉइंट वन का होल स्क्वायर जो भी यह नंबर आता है ठीक है फिर आप सेकेंड स्टूडेंट का भी इसी तरीके से लॉस फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो हमेशा जब आप सिंगल का निकालते हो उसको लॉस फंक्शन बोला जाता है और जब आप पूरे के पूरे बैच का निकालते हो एज एन आप पूरे के पूरे ट्रेनिंग डेटा का निकालते हो एक साथ उसको कॉस्ट फंक्शन बोला जाता है तो कॉस्ट फंक्शन इस केस में हो जाएगा वन बाय एन सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर ठीक है तो आप क्या करोगे पहले चारों के चारों जो अपने डेटा पॉइंट्स हैं इनका लॉस फंक्शन निकालोगे उसको जोड़ोगे और उसको फोर से डिवाइड करोगे तो वो आपका कॉस्ट फंक्शन होगा जैसे ये हो जाएगा वन बाय फोर सिक्स पॉइंट वन माइनस सिक्स पॉइंट थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर पॉइंट वन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस थ्री पॉइंट फाइव माइनस थ्री पॉइंट सेवन का होल स्क्वायर प्लस सेवन पॉइंट टू माइनस सेवन का होल स्क्वायर ये जो नंबर सॉल्व करके आपको मिलेगा ये आपका कॉस्ट फंक्शन है और हर सिंगल ट्रेनिंग डेटा का जो भी लॉस है उसको आप लॉस फंक्शन बोलते हो कभी कभी इसी को आप एरर फंक्शन भी बोलते हो ठीक है तो आगे से प्लीज़ बी केयरफुल कि अगर आप इंटरव्यू में आंसर कर रहे हो तो आप बता पाओ कि लॉस फंक्शन क्या होता है और कॉस्ट फंक्शन क्या होता है दोनों सेम नहीं है ठीक है तो ये क्लैरिफाई करना था मुझे आपके सामने सो so गाइज जो हम पहला लॉस फंक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है मीन स्क्वायर्ड एरर एंड मोस्ट लाइकली आपने इस लॉस फंक्शन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा जब आप मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे होगे ये एक बहुत ही कॉमन लॉस फंक्शन है और ये डीप लर्निंग में भी यूज़ होता है कुछ लोग इसे स्क्वेड लॉस बोलते हैं और कुछ लोग इसे एल टू लॉस भी बुलाते हैं ये तीनों ही नाम वैलिड है अब हम क्या करेंगे हम मीन स्क्वेड लॉस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करेंगे स्पेशली डीप लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कि मीन स्क्वेड लॉस को कैसे अप्लाई किया जाता है एक रिग्रेशन प्रॉब्लम में जब आप डीप लर्निंग के साथ काम कर रहे हो ठीक है तो देखो Uh, हम ये एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था हमारे पास एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है जहाँ पे दो इनपुट कॉलम्स है सी और आई और आउटपुट कॉलम है पैकेज स्टूडेंट का पैकेज कितने का लगा और ये रहा मेरा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसमें टोटल मिला के तीन न्यूरॉन्स हैं एक हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है और एक ऑब्वियसली हमारा इनपुट लेयर है ठीक है सो दिस इज़ द आर्किटेक्चर अब मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये जो पूरा मॉडल है ये जब ट्रेन होता है तो ट्रेन कैसे होता है बहुत सिंपल है आप क्या करते हो आप एक एक करके रोज को इंसर्ट करते हो इस न्यूरल नेटवर्क में फिर फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है और हर रो के लिए एक आउटपुट एज इन एक प्रिडिक्शन कैलकुलेट होता है अब जैसे ही आपने प्रिडिक्शन कैलकुलेट किया आप क्या करोगे आप मीन स्क्वायर्ड एरर का जो आपका लॉस फंक्शन है वो अप्लाई करोगे और आप पता करोगे कि ये प्रिडिक्शन कितना ऑफ है कितना सही है या कितना गलत है और मीन स्क्वायर्ड एरर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ये वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर बेसिकली जो ट्रू वैल्यू है माइनस जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसके डिफरेंस का स्क्वायर ठीक है तो हम पहले रो के लिए कैलकुलेट करेंगे 6.3 पॉइंट थ्री माइनस सिक्स का होल स्क्वायर और यही मेरा आउटपुट होगा अब जैसे ही मुझे ये आउटपुट मिलेगा मैं वापस जाऊंगा और अपने वेट्स और बायसेस को अपडेट करूंगा बेस्ड ऑन दिस लॉस फंक्शन का वैल्यू फिर मैं ऐसे ही सेकेंड को भेजूंगा फिर से मुझे एक प्रिडिक्शन मिलेगा प्रिडिक्शन को मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा लॉस फंक्शन का आउटपुट कैलकुलेट करूंगा फिर से मैं वेट्स एंड बायसेस को अपडेट करूंगा और ऐसा मैं बार बार करूंगा ठीक है आइडिया क्या है मुझे इस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है इसके वैल्यू को मिनिमाइज़ करना है ठीक है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ठीक है हम डिस्कस करेंगे कि मीन स्क्वायर्ड एरर का एडवांटेज क्या होता है हम डिस्कस करेंगे उसका डिसएडवांटेज क्या होता है ताकि हमें समझ में आए कि हम किस तरह के डेटा सेट्स के ऊपर मीन स्क्वायर्ड एरर अप्लाई कर सकते हैं चलो फिर सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करते हैं जब मैंने सबसे पहली बार ये फार्मूला देखा था तो मेरे दिमाग में एक डाउट आया था कि ये स्क्वायर करने की क्या ज़रूरत है फॉर्मूला ये भी तो हो सकता था कितना सिंपल रहता आई गेस आपको इसका आंसर पता है कि ये फार्मूला क्यों यूज़ नहीं होता उसका रीज़न ये है कि जब आप ट्रू माइनस प्रिडिक्टेड को कैलकुलेट करोगे तो कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी लेट मी शो यू जैसे यहाँ पर ही आप देखो वाई आई माइनस वाई आई हैट निकालने पे पहला जो स्टूडेंट है उसका डिफरेंस आ रहा है पॉइंट टू दूसरे का आ रहा है पॉइंट वन बट तीसरे का देखो क्या आ रहा है माइनस पॉइंट टू और चौथे का क्या आ रहा है पॉइंट टू तो अब जब आप इन सबको ऐड करोगे टोटल एरर निकालने के लिए तो ये जो नेगेटिव वाला है ये बाकी तीनों से सब्ट्रैक्ट होकर के ओवरऑल जो एरर है उसको रिड्यूस कर देगा हमें ये नहीं चाहिए हमें चाहिए कि सारा एरर ऐड हो ठीक है तो दैट इज वाई हम स्क्वायर करते हैं ठीक है हम मॉड भी करते हैं वो एक दूसरा एरर फंक्शन होता है मीन एब्सोल्यूट एरर इसके बाद हम वही डिस्कस करेंगे बट हम स्क्वायर कर देते हैं टू मेक एवरीथिंग पॉजिटिव अब आप जैसे इसको स्क्वायर करते हो ना तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी सबसे पहला ये है कि आपका ये इक्वेशन बन जाता है मतलब इसमें टू पावर ऑफ टू पे बात होती है इसका मतलब यह है कि सोच के देखो अगर आपका ट्रू माइनस प्रोडिक्शन वन यूनिट है तो इस लॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो एरर है वो वन यूनिट ही रहेगा बट अगर आपका ट्रू माइनस प्रोडिक्टेड का वैल्यू टू यूनिट्स है तो जैसे ही आप उसका स्क्वायर करोगे वो फोर यूनिट हो जाएगा जैसे ही आप फोर यूनिट लोगे ये सिक्सटीन यूनिट हो जाएगा तो समझने वाली बात यह है कि जो पॉइंट ट्रू वैल्यू के जितना दूर होगा उसका एरर उतना ही मैग्नीफाई हो जाएगा और यही समझने वाली बात है अगर मैं आपको एक लीनियर रिग्रेशन के एग्जांपल से समझाऊं मान लो आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है ठीके? और यह आपका लाइन है ठीक है तो जो पॉइंट्स जितने पास होंगे उनका इम्पैक्ट उतना कम होगा इस लाइन पे जो पॉइंट्स जितने दूर होंगे उतना इम्पैक्ट ज़्यादा होगा इस लाइन पे मतलब सी मुझे करना क्या है मुझे बेसिकली बेस्ट लाइन फाइंड करनी है ठीक है तो मैं इस लाइन को घुमाऊंगा इस लाइन को मूव करूंगा ठीक है अब मूव कितना करना है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एरर कितना है अब जो दूर वाला पॉइंट है इसका एरर बहुत ज़्यादा है तो इस पॉइंट की वजह से हमारा लाइन में जो रोटेशन होगा वो ज़्यादा का रोटेशन होगा और जैसे कि ये पॉइंट है जिसका एरर बहुत कम है उसकी वजह से लाइन में जो रोटेशन होगा वो बहुत कम का होगा तो यहाँ पर भी आपको समझना है यहाँ पर आपको जब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसका एरर ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो आप वेट्स और बायसेस को अपडेट करोगे वो जो अपडेट होगा वो ज़्यादा ड्रास्टिक होगा या आप बोल सकते हो ज़्यादा बड़ा होगा बड़े चेंजेस आएंगे उसकी वजह से और जिन स्टूडेंट्स का एरर कम है उनकी वजह से छोटे चेंजेस आएंगे इन वेट्स में तो ये समझने वाली बात है कि बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक नेचर जो दूर वाले पॉइंट्स हैं उनको पनिश किया जा रहा है और उस पनिशमेंट की वजह से क्या होता है कि दूर वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी वजह से वेट्स और बायस में जो अपडेट होता है वो ज्यादा ड्रास्टिक या ज्यादा बड़ा होता है जो पास के पॉइंट्स हैं जिनमें एरर कम है जैसे कि ये पॉइंट इसके लिए वेट्स और बायसेस में जो अपडेट होंगे वो बहुत स्मॉल अपडेट होंगे ठीक है तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ रही है अब मैं आपको एक दो पॉइंट्स और बताता हूं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका कुछ एडवांटेजेस और फिर हम डिस्कस करेंगे इस लॉस फंक्शन के डिसएडवांटेजेस। ठीक है सो so जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि इट इज इजी टू इंटरप्रेट अभी आप आगे देखोगे आपको कुछ ऐसे लॉस फंक्शन मिलेंगे जिनको इंटरप्रेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ठीक है बट मीन स्क्वायर्ड एरर उनमें से एक नहीं है मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत ही सिंपल है देख के ही समझ में आ रहा है कि कैसे निकाला जा रहा है हमारा लॉस को या हमारे एरर को ठीक है दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि सिंस इक्वेशन इज दिस दिस लॉस फंक्शन इज ऑलवेज डिफ्रेंशिएबल अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो जहाँ पे आप x एक्सिस पे ले लो मॉडल के पैरामीटर्स एज इन वेट और y एक्सिस पे ले लो लॉस तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है तो ये जो कर्व है ये हमेशा डिफ्रेंशियबल है और इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप ग्रेडियंट डिसेंट जैसा टेक्निक लगाते हो तो डिफरेंशिएशन बहुत ईजिली हो पाता है ठीक है थर्ड बेनिफिट क्या है कि देर इज़ ओनली वन लोकल मिनिमा इसका मतलब ये है कि आपके वेट्स और बायस का कोई एक ऐसा वैल्यू है जिसके लिए लॉस का वैल्यू मिनिमम होगा और आपको यही खोजना है कभी कभी क्या होता है कि देर आर मल्टीपल मतलब आपका कर्व कुछ ऐसा दिखाई देता है तो ये भी एक पॉइंट है ये भी एक पॉइंट है ये भी एक पॉइंट है, है इन तीनों में से कोई भी सॉल्यूशन बन सकता है और आप अपने ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंच पाते यहां पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये तीन सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं जो आप मीन स्क्वायर एरर से निकाल सकते हो अब अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करो तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो एरर निकलता है उसका यूनिट स्क्वेड होता है सोच के देखो यहाँ पे जो मैं एरर निकालूंगा वो ये होगा स्क्वायर तो अगर आपका वाई का यूनिट है एल पी लैक्स पर एन तो ये होगा एल का स्क्वायर तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है एरर अगर आ रहा है फाइव तो इट डज नॉट मीन कि आपका एरर फाइव एल है इट बेसिकली मीन्स आपका एरर फाइव एल का स्क्वायर है तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तब आप सही यूनिट्स में आते हो ठीक है ना तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो एरर का यूनिट है वो सेम नहीं है डिफरेंट है वो स्क्वायर्ड है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि एरर एग्जैक्टली exactly है क्या ठीक है दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मीन स्क्वायर्ड एरर को सभी जगह यूज़ नहीं किया जाता वो है कि इट इज़ नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब आउटलायर्स होंगे आपके डेटा में तो आपका जो मॉडल है वो सही से परफॉर्म नहीं करेगा इमेजिन करो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लो आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका पैकेज बहुत ज़्यादा है मान लो उसका सी था 8.1 और उसका आई क्यू है सौ लेकिन उसका पैकेज लगा पचास लाख का ठीक है अब इमेजिन करो जब आप इसका एरर निकालोगे तो ऑब्वियसली प्रोडिक्शन ख़राब आएगा मान लो बाकियों की तरह ही प्रोडिक्शन आया आठ लाख का तो अब जब आप इसका एरर निकालोगे तो वो होगा फोर्टी टू का स्क्वायर बहुत ही बड़ा उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेट अपडेट होगा वो बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिक होगा बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा बहुत अलग ही वैल्यू आ जाएगी और उसकी वजह से आपका मॉडल ऑफ हो जाता है अगर मैं आपको ये चीज़ डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूँ लीनियर रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद आप समझ पाओगे मान लो आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं और आपका लाइन ऐसे जा रहा था अब सडनली से एक आउटलायर आ गया अब इस आउटलायर को हैंडल करने के लिए आपका लीनियर रिग्रेशन ये वाला लाइन को पकड़ेगा ठीक है जस्ट बिकॉज वो इस आउटलायर को हैंडल करना चाहता है ऑब्वियसली वो आउटलायर को तो हैंडल कर पा रहा है बट जो आपका ट्रू नेचर है आपके डेटा का उससे डेविएट कर गया जिसकी वजह से जो आपका प्रिडिक्शन होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है मीन स्क्वायर एरर का कि अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं तो फिर मीन स्क्वायड एरर इज नॉट अ गुड कैंडिडेट टू बी यूज ऑन द डेटा ठीक है तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है अब डीप लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना होता है अगर आपको मीन स्क्वायर्ड एरर अप्लाई करना है तो आपको एक चीज श्योर sure करनी होती है कि आपका ये जो आखिरी न्यूरॉन है इसका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो लीनियर होना चाहिए ठीक है तभी आप अप्लाई कर पाओगे मीन स्क्वायर्ड एरर ठीक है बीच में भले ही आप रेल्यू ले लो या फिर आप सिग्मोइड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो लास्ट वाला है इट शुड बी लीनियर तभी आप मीन स्क्वायर्ड एरर अप्लाई कर सकते हो सो so, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने जीआरई एडमिशन प्रिडिक्शन डेटा सेट के ऊपर काम किया था वहाँ पे मैंने यही काम किया था कि मेरा जो लास्ट वाला था डेंस लेयर यू कैन सी दिस वन यू कैन सी यहाँ पे मैंने लास्ट वाले नोड को लीनियर बनाया था ऑल्सो जब मैंने मॉडल कंपाइल किया था यहां पर यू कैन सी कि लॉस में मैंने डिफाइन किया था मीन एरर ठीक है तो दैट इज हाउ यू डू रिग्रेशन पहले आप लास्ट वाले न्यूरॉन को बना देते हो लीनियर यूनिट और फिर आप कंपाइल करते टाइम लॉस में यहां पे लिखते हो मीन एरर ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया मीन स्क्वायड एरर का क्या फंडा है हमने डिटेल में डिस्कस किया उसका फॉर्मूला क्या है स्क्वायर के आने से क्या इंपैक्ट पड़ता है हमने ये भी डिस्कस किया कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उसको डीप लर्निंग में कैसे यूज करना है ठीक है अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकेंड लॉस फंक्शन की तरफ हमारा जो सेकेंड लॉस फंक्शन है वो है मीन एप्सल्यूट एरर ठीक है जिसको हम एम ए -E भी बुलाते हैं ठीक है कुछ लोग इसी को एल वन लॉस बुलाते हैं सो मीन स्क्वायर्ड एम सॉरी मीन एप्सल्यूट एर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वाई आई माइनस वाई आई हैट का एब्सोल्यूट वैल्यू यही आपका लॉस फंक्शन होता है ठीक है ऑल्सो अगर आप इसका कॉस्ट फंक्शन का बात करो मतलब पूरे डेटा के ऊपर बात करो तो ये सेम फॉर्मूला ये बन जाएगा वन बाई एन सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैट एप्सल्यूट वैल्यू सिमिलरली मैंने यहां पे नहीं बताया आपको बट यहां पे अगर आप कॉस्ट फंक्शन की बात करो फॉर एन पॉइंट्स आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा वाई आई माइनस वाई आई हेट का होल स्क्वायर ठीक है एक पॉइंट के लिए ये रहेगा और सारे के सारे ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए ये रहेगा या फिर एक बैच ऑफ पॉइंट्स के लिए ये रहेगा जहां पे एन इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ठीक है यहां पे भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो अब अगर आप ये फार्मूला देखो तो इस फॉर्मूले में आपने बेसिकली स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू से बस यही चेंज है और इसी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलती थी मीन स्क्वायेड एरर में वो सॉल्व हो जाती हैं ठीक है तो जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वॉट आर द एडवांटेजेस बिकॉज बाकी सब कुछ सेम है तो लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मीन एब्सोल्यूट एरर सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ही इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड है इंट्यूटिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो ट्रू वैल्यू में से प्रिडिक्टेड वैल्यू को सब ट्रैक्ट कर रहे हो और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो समझने में कितना ईजी है ठीक है सेकेंड जो है इसका जो यूनिट होता है वो सेम होता है जो आपके वाई का यूनिट होता है जैसे अगर आप सी जी पी ए और आई क्यू दे करके पैकेज प्रिडिक्ट कर रहे हो जो कि एल पी ए के अंदर है तो आपका जब आप वाई आई माइनस वाई आई हैट निकालोगे तो इसका भी यूनिट एल पी ए ही होता है तो तुरंत एरर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है मेरा एरर आ रहा है दो एल पी ए का तो ये एक बेस्ट पार्ट है थर्ड जो है इट इज एक्चुअली रोबस्ट टू आउटलायर्स और आप ये समझ सकते हो यहां पे कोई स्क्वायर टर्म नहीं है तो ये आउटलायर को अलग से पनिश नहीं करता पेनलाइज नहीं करता तो क्वाड्रेटिक तरीके से ग्रो नहीं होता मतलब दो का चार चार का सोलह नहीं हो रहा तो दैट इज़ वाई आउटलायर्स को बहुत गंदे तरीके से पनिश नहीं कर रहा है जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका अगर सिस्टम में आउटलायर्स हैं भी मान लो अगर आपका ये सिस्टम है और ये एक आउटलायर है तो ये बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगी लाइन इस आउटलायर की तरफ क्योंकि आउटलायर को आप उतना वैल्यू नहीं दे रहे उतना पनिश नहीं कर रहे तो फिर जो ट्रू डेटा है उसके तरफ रहेगा आउटलायर्स की तरफ नहीं जाएगा तो इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स तो अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं रादर देन यूजिंग एम एस ई मीन स्क्वायर्ड एरर के बदले आपको मीन एब्सल्यूट एरर यूज करना चाहिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका जो ग्राफ है अगर आप ग्राफ देखो सिंस ये मॉड है इसका ग्राफ ऐसा होता है अगर आप लॉस और वेट का ग्राफ प्लॉट करो तो दिस ग्राफ इज़ नॉट डिफ्रेंशियबल दिस ग्राफ इज़ नॉट डिफ्रेंशियबल अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि आप जो ग्रेडियंट डिसेंट जैसा टेक्निक यूज़ करते हो जो हैविली रिलाई करता है डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकालने में वो आप यहां पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते यहां पे आपको सब ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है काम हो जाता है बट थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होता है और जो आपका कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनक्रीज़ हो जाता है तो दैट इज़ एन इशू ठीक है तो अगर आपके डेटा में आउटलायर्स नहीं हैं चुपचाप से आप यूज़ कर लेना मीन स्क्वायर एरर बट अगर डेटा में आउटलायर्स हैं तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा मीन एप्सिल्यूट एरर ठीक है यही चीज़ आपको याद रखनी है हमारा जो अगला रिग्रेशन लॉस फंक्शन है उसका नाम है हुबर लॉस ठीक है हुबर या ह्यूबर बोलते हैं कुछ लोग जो भी है जो लॉस फंक्शन है उसका फॉर्मूला ये है अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बट मैं आपको इसका बेसिक आइडिया समझाता हूँ ठीक है आइडिया बहुत सिंपल है आपका जो एमएसई है वो आउटलायर्स उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं वेयर एज जो एम है वो आउटलायर्स को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो नॉर्मल पॉइंट्स को करता है ठीक है तो मतलब कुछ ऐसा है मैंने आपको ऊपर भी दिखाया कि मान लो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और ये आउटलायर है तो एमएससी वाला लॉस फंक्शन आपके लाइन को बहुत ज़्यादा आउटलायर की तरफ भेज देगा आउटलायर को डिटेक्ट बहुत स्ट्रांगली करेगा वेयर एज अगर आप बात करो एम का तो वो बहुत ज़्यादा नहीं भेजेगा ठीक है बट वॉट इफ इमेजिन अ सनैरियो कि हमारे पास जो डेटा है उसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट पॉइंट्स मान लो आउटलायर्स हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट पॉइंट्स आउटलायर हैं तो वो आउटलायर लायर हैं ही नहीं ठीक है तो उस केस में ना एमएससी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ना एम ए ही अच्छा परफॉर्म करेगा ठीक है हमें एक लाइन चाहिए जो थोड़ा सा इस तरीके का हो ज़्यादा सेवेंटी फाइव परसेंट की तरफ और थोड़ा ट्वेंटी फाइव की तरफ अगर आप एम यूज़ करोगे तो वो सेंटर पे आने की कोशिश करेगा क्योंकि वो आउटलायर्स को ज़्यादा वेटेज देगा अगर आप एम यूज़ करोगे तो आप सेवेंटी फ़ाइव के ज़्यादा क्लोज़ आओगे क्योंकि वो आउटलायर्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा तो हमें चाहिए है सबसे सही आउटकम और वही हमें ह्यूबर लॉस प्रोवाइड करता है अगर आप ह्यूबर लॉस का फार्मूला देखो तो बहुत सिंपल फार्मूला है अगर आपका डेटा पॉइंट आउटलायर नहीं है तो ह्यूबर लॉस बिल्कुल एम की तरह बिहेव करेगा और अगर आपका जो डेटा है वो आउटलायर है तो आपका ह्यूबर लॉस एम ए -E की तरह बिहेव करेगा और इन दोनों को कंबाइन करने से आपको ये इफ़ेक्ट मिलता है कि आप बीच का एक प्रॉपर्टी गेन करते हो ठीक है यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा कौन सा पॉइंट आउटलायर है या कौन सा पॉइंट आउटलायर नहीं है वो इस पैरामीटर के थ्रू पता चलता है दिस इज़ अ हाइपर पैरामीटर जिसका वैल्यू आप एडजस्ट करके देख सकते हो कि परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है बट द होल आइडिया ऑफ यूबर लॉसिस कि ये एम और एम के बीच में लाई करता है और ये तब सबसे अच्छा परफॉर्म करता है जब आपके डेटा में काफ़ी सारे आउटलायर्स हैं ठीक है तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हमारा जो अगला लॉस फंक्शन है उसका नाम है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और ये क्लासिफिकेशन सेटअप में यूज होता है इनफैक्ट अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये सेम लॉस फंक्शन यूज होता है ठीक है एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी आप तभी यूज़ करते हो जब आपके पास दो क्लासेस होते हैं लाइक यस और नो ठीक है मान लो अगर आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स का सी है आई है और आपको बताना है कि उनका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा तो इस तरह के सेटअप में आप बाइंड्री क्रॉस एंट्रोपी यूज़ कर सकते हो आई कैन गिव यू वन एग्ज़ाम्पल मान लो ऐसा है मान लो ये हमारा डेटा है तो इस तरह के सेटअप में सिंस प्लेसमेंट या तो होगा या तो नहीं होगा तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है यहां पे आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज कर सकते हो ठीक है अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो अगर आप लॉस फंक्शन का बात करो मतलब अगर आप सिर्फ एक बार में एक डेटा पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो फार्मूला होता है ये माइनस वाई लॉग वाई हेट माइनस वन माइनस वाई लॉग वन माइनस वाई यहां पे y क्या है एक्चुअल वैल्यू या टारगेट वैल्यू और वाई हैट क्या है आपके न्यूरल नेटवर्क का प्रोडिक्शन फॉर दैट मैटर किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल का प्रोडिक्शन ठीक है थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि हमारे पास ये आर्किटेक्चर है ठीक है मान लेते हैं कि यह आर्किटेक्चर है ठीक है एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ कर रहे हो तो आपको अपने आउटपुट लेयर में जो एक्टिवेशन फंक्शन रखना है वो होना चाहिए सिग्मोइड ये आपको याद रखना पड़ेगा आप कुछ और नहीं रख सकते यहाँ पे यहाँ पे आप रेल्यू भी रख सकते हो यहाँ पे आप सिग्मोइड भी रख सकते हो मैं हिडन लेयर की बात कर रहा हूँ बट यू हैव टू मेक श्योर कि आउटपुट में जो एक्टिवेशन है वो सिग्मोइड ही होना चाहिए ठीक है चलो कमिंग बैक ये तो हो गया एक सिंगल डेटा पॉइंट के लिए अगर आप कॉस्ट फंक्शन की बात करो मतलब पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेट के ऊपर अगर आपको एक साथ एरर निकालना है तो फिर आपका फॉर्मूला ये हो जाता है वन बाय एन सिग्मा ऑफ मैं यहाँ पे बाहर पे माइनस uh, ले आ रहा हूँ सिग्मा आई इज़ इक्वल टू वन से एन वाई आई लॉग वाई आई हैट प्लस वन माइनस वाई आई लॉग वन माइनस वाई आई हैट ये आपका फॉर्मूला है फॉर द एंटायर ट्रेनिंग सेट ठीक है अब एक बार मैं आपको मैनुअली थोड़ा सा दिखाने का ट्राई करता हूं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है सो so, ये हम सेम डेटा सेट को लेके चलेंगे आप क्या करोगे फिर से आप पहले पॉइंट को निकालोगे और उसको अपने न्यूरल नेटवर्क में इंसर्ट करोगे ये पूरा का पूरा फॉरवर्ड प्रपोगेशन होगा और उससे आपका सिग्मोइड से एक वैल्यू कैलकुलेट होगा ठीक है लास्ट लेयर में आपके पास जो न्यूरॉन है उसमें सिग्मोइड एक्टिवेशन लगा हुआ है तो ये आपको जीरो से वन के बीच में एक वैल्यू देगा मान लो आपका वैल्यू आया ज़ीरो पॉइंट सेवन थ्री फॉर द फर्स्ट न्यूरॉन ठीक है अब आप क्या करोगे आप लॉस कैलकुलेट करोगे लॉस कैसे कैलकुलेट होगा बहुत सिंपल है ये फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ को पुट करोगे वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे वन है तो यहाँ पे आ गया माइनस वन और फिर आप निकालोगे लॉग ऑफ जो भी आपका वाई हैट है पॉइंट सेवन थ्री जो भी ये नंबर आएगा आ, मैं इनफैक्ट एक बार कैलकुलेट करता हूँ लॉग ऑफ मुझे निकालना है पॉइंट सेवन थ्री मैं इसको एक दूसरे डिवाइस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ये आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस पॉइंट वन थ्री तो बेसिकली ये आ जाएगा पॉइंट वन थ्री ठीक है तो इस केस में आपका जो लॉस है फर्स्ट वाले डेटा पॉइंट का जो लॉस है वो है पॉइंट वन थ्री ठीक है अब आप इस लॉस को देखोगे और पलट करके इन वेट्स और बायसेस को अपडेट करोगे यूजिंग ग्रेडिएंट डिसेंट फिर आप सेकेंड पॉइंट को उठाओगे और इस न्यूरल नेटवर्क में डालोगे मान लो यहाँ पे आउटपुट आया पॉइंट टू फाइव ठीक है तो फिर से आप क्या करोगे आप इस फार्मूले में जाओगे और आप पॉइंट टू फाइव को फिट करोगे तो सबसे पहले हमने y को जैसे ही फिट किया तो y यहाँ पे ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया यहाँ पे आप आए ये हो गया वन माइनस ज़ीरो लॉग ऑफ वन माइनस पॉइंट टू फाइव तो ये हो जाएगा माइनस वन लॉग पॉइंट सेवन फाइव और अगर आप यहाँ पे पॉइंट सेवन फाइव डालो तो ये होता है माइनस पॉइंट वन टू तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट वन टू का एरर सेकेंड वाले के लिए जो आपका एरर है वो पॉइंट वन टू हो गया ठीक है सो दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हमेशा याद रखना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है और उस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज़ होता है जहाँ पे दो क्लासेस हैं येस और नो ऑल्सो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप इसको यूज़ करोगे यू हैव टू मेक श्योर कि आपके आउटपुट लेयर में जो एक सिंगल न्यूरॉन है उसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए सिग्मॉइड होना चाहिए और फिर मैंने आपको मैनुअली ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये फार्मूला आया कैसे इसका डेरिवेशन क्या है तो फिर आप मेरा हंड्रेड डेज ऑफ मशीन लर्निंग वाला जो प्ले है उसमें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत डिटेल में कवर किया है आप वो वीडियोज़ जाके देखना वहाँ पर मैंने स्क्रैच से निकालना सिखाया है कि ये फार्मूला आता कैसे है इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जैसे कि मैक्सिमम लाइवलीहुड और वहाँ से मैंने ये पूरी चीज़ को डिराइव करके दिखाया है। ठीक है अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब ये सारा काम बिहाइंड सीन्स के रास आपके लिए कर देगा बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जा करके वो वीडियो देख सकते हो ठीक है तो ये थोड़ा सा अगर आप डिसएडवांटेज एडवांटेज लेवल पे बात करो तो इसका एडवांटेज ये है कि दिस लॉस फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल तो इसके ऊपर आप बहुत ईजिली ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर सकते हो इसका डिसएडवांटेज ये है कि मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीपल लोकल मिनिम्ज हो सकते हैं दूसरा प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये इंट्यूटिव नहीं है देख के तुरंत समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये लॉस किस तरीके से काम कर रहा है ठीक है तो वो एक प्रॉब्लम है ऑल्सो एक चीज मैं शुरू में बताना भूल गया इसी को आप लॉग लॉस भी बुलाते हो कुछ लोग इसको लॉग लॉस बुलाते हैं ठीक है बट या अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया दिस इज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज फॉर क्लासिफिकेशन सिनेरियो स्पेशली फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन हमारा जो अगला लॉस फंक्शन है उसका नाम है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ठीक है और ये जो लॉस फंक्शन है ये यूज़ किया जाता है अगेन क्लासिफिकेशन सिनेरियो में बट क्लासिफिकेशन सिनेरियो में भी इसको तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जैसे कि यहाँ पर देखो सेम डेटा सेट है सी जी पी ए और आई क्यू मेरा इनपुट है प्लेसमेंट हुआ या नहीं ये मेरा आउटपुट uh, कॉलम है और इसमें तीन कैटेगरीज़ हैं प्लेसमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है या फिर पता नहीं मे बी सो देर आर थ्री कैटेगरीज तो कभी भी अगर आप तीन कैटेगरीज़ या उससे ज़्यादा के साथ काम कर रहे हो तो आप कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी को यूज़ करते हो ठीक है ये सेम लॉस फंक्शन सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन में भी यूज़ होता है अगेन आप अगर मेरा हंड्रेड डेज ऑफ मशीन लर्निंग वाला प्लेलिस्ट देखोगे वहाँ पर मैंने आपको ये डिराइव करके दिखाया है ठीक है अब अगर आप बात करो फॉर्मूले की तो इसका फॉर्मूला ये होता है एक सिंगल पॉइंट के लिए अगर आप एक सिंगल स्टूडेंट के लिए लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो दिस इज़ द फॉर्मूला ठीक है समेशन ऑफ जे वन टू के वाई जे लॉग प्रिडिक्शन ऑफ वाई जे ठीक है अब यहाँ पे के क्या है के इज़ बेसिकली आपके डेटा में जितनी क्लासेज हैं जैसे हमारे डेटा में तीन क्लासेज हैं तो ये फार्मूला को आप ऐसे लिख सकते हो मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिख रहा हूँ माइनस वाई वन लॉग वाई वन हैट माइनस वाई टू लॉग वाई टू हैट माइनस वाई थ्री लॉग वाई थ्री हैट ठीक है जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ेंगे ये फॉर्मूला उतना बड़ा हो जाएगा और ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए है ठीक है अब नोटिस करने वाली बात क्या है यहाँ पे यह बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप आ, काम कर रहे हो आ, एक मल्टी क्लास प्रॉब्लम के ऊपर तो आपका जो न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपके आउटपुट लेयर में आप ठीक उतने ही न्यूरॉन्स डालते हो जितने आपके पास कैटेगरीज हैं या फिर आप बोल सकते हो जितने आपके पास क्लासेज हैं सो यहाँ पर हमारे पास तीन क्लासेज हैं येस नो मे बी तो यहाँ पर आप तीन डालोगे पहला न्यूरॉन यस yes के लिए दूसरा नो no के लिए तीसरा मे बी के लिए ठीक है ऑल्सो यहां पे जो आउटपुट लेयर में आपके सारे न्यूरॉन्स हैं इनका जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो होता है सॉफ्ट मैक्स ठीक है सॉफ्ट मैक्स ऐसे लिखा जाता है आ, आप ऐसे लिखते हो ठीक है अगर आपको यस yes के लिए निकालना है तो यस yes में जो जेड है आप उसको जेड वन बोलोगे और आप इस तरीके से निकालोगे अगर आपको नो के लिए निकालना है तो उसके Z को आप Z2 बोलोगे Z क्या है जो भी बेसिकली यहाँ से समेशन हो रहा है ठीक है तो नो के लिए ये फार्मूला ऐसा बन जाएगा Z2, Z1 जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री सिमिलरली मे बी के लिए ये बन जाएगा E Z3, E Z1, E Z2, E Z3 ठीक है हमेशा नोटिस करना ये तीनों नंबर्स जीरो से वन के बीच में होंगे और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे वो हमेशा इक्वल टू वन आता है तो ये एक सेटअप है ये आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो आपका लॉस फंक्शन बन जाता है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी जिसका फॉर्मूला ये रहा एक पॉइंट के लिए ठीक है और आपको अपना न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर हमेशा ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपके आउटपुट में ठीक उतने ही न्यूरॉन्स होंगे जितने आपके टारगेट में क्लासेस हैं और आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो होगा सॉफ्ट मैक्स यू हैव टू रिमेम्बर दिस ठीक है इनफैक्ट आई कैन शो इट टू यू जब मैंने आपको पिछले के पिछले वीडियो में एमनेस डेटा सेट के ऊपर काम कराया था वहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने क्या किया था कि जब हमने न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाया था तो यू कैन सी सिंस हमारे डेटा में आ, दस कैटेगरीज हैं जीरो से लेके नाइन तक हमारा जो आउटपुट लेयर है उसमें दस न्यूरॉन्स हैं और एक्टिवेशन फंक्शन ये देखो सॉफ्ट मैक्स है ठीक है ये आपको याद रखना है नाउ कमिंग बैक कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है देखो आपको क्या करना होता है सबसे पहले अपने डेटा में जितनी भी क्लासेज होती हैं उनको आपको वन हॉट इनकोड करना पड़ता है जैसे मैंने क्या किया जहाँ भी यस था उसको मैंने वन जीरो ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया वन ज़ीरो जीरो किसका कोड हो गया यस का जीरो वन जीरो किसका कोड हो गया नो का और ज़ीरो जीरो वन कोड हो गया मे बी का तो सबसे पहले आप क्या करते हो अपने डेटा में जो आउटपुट कॉलम है उसके ऊपर वन हॉट इनकोडिंग लगा देते हो अब ध्यान से देखो आप क्या करोगे आप पहला रो को उठाओगे पहले स्टूडेंट के डेटा को उठाओगे यहाँ पे आठ दोगे यहाँ पे अस्सी दोगे अब क्या होगा फॉरवर्ड प्रपोगेसन होगा आप फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करोगे मेट्रिक्स मैथ के थ्रू क्या होगा इन तीनों न्यूरॉन्स पे एक प्रोबेबिलिटी आएगी लेट्स से यहाँ पर आया पॉइंट टू यहाँ पर आया पॉइंट थ्री और यहाँ पे आया पॉइंट फाइव ठीक है अब आप क्या करोगे ये जो आउटपुट आपके पास आया है मान लो आपका आउटपुट ये है ज़ीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री और ज़ीरो पॉइंट फाइव अब आपका इनपुट क्या था एज एन आपका ट्रू लेबल क्या था आपका ट्रू लेबल है फेस्ट फर्स्ट डेटा के लिए ये वन ज़ीरो जीरो अब आप क्या करोगे आप ये लॉस फंक्शन अप्लाई करोगे या फिर आप बोल सकते हो आप ये लॉस फंक्शन अप्लाई करोगे ठीक है तो देखो y1 का वैल्यू वन है y2 का वैल्यू जीरो है y3 का वैल्यू भी जीरो है तो ये और ये तो कैंसिल हो गया सिर्फ बचा y1 तो लॉस हो जाएगा इस पॉइंट के लिए y1 के बदले वन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ पहला वाला जो प्रिडिक्शन है ये वाला तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट टू और यही आपका पहले पॉइंट का लॉस हो जाएगा ठीक है मैं आपको दूसरे पॉइंट का निकाल के दिखाता हूँ आप इसको पकड़ोगे सिक्स सिक्सटी को बाय द वे जैसे आपने ये लॉस निकाला आप वापस आके इन वेट्स और बायसेस को अपडेट करोगे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ठीक है अब जब आप सेकेंड स्टूडेंट को पकड़ोगे आपने यहाँ पर डाला सिक्स यहाँ पर डाला आपने सिक्सटी फॉरवर्ड प्रपोजेशन से आपने कैलकुलेशन किया मान लो आपका कैलकुलेशन आया है पहले वाले में पॉइंट थ्री दूसरे वाले में पॉइंट सिक्स और लास्ट वाले में आया पॉइंट वन तो इस बार आपका आउटपुट क्या है एज एन आपका प्रडिक्शन क्या है पॉइंट थ्री पॉइंट सिक्स और पॉइंट वन और आपके ट्रू लेबल्स क्या थे सेकेंड स्टूडेंट के लिए ट्रू लेबल्स ये थे तो आपने इसको उठाया ज़ीरो वन जीरो को और इसको फिर से इस फॉर्मूले में डाला अब यहाँ पे y1 वन ज़ीरो है y3 थ्री ज़ीरो है बस y2 टू नॉन जीरो है तो आप लिखोगे माइनस वाई का वैल्यू वन है मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ सेकेंड वाले में जो भी प्रोडिक्शन हुआ है तो यहाँ पे क्या प्रोडिक्शन हुआ है पॉइंट सिक्स और इससे जो भी वैल्यू आएगा वो आपका सेकेंड वाले पॉइंट का लॉस है जिसके बेसिस पे आप फिर से वेट्स और बाइसेस को अपडेट करोगे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट और ऐसा आप बार बार करते जाओगे इसी तरीके से आप कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाते हो ठीक है अब एक लास्ट डिस्कशन आपके साथ मुझे करना है वो ये है कि आप देखोगे कि कभी कभी आप स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी भी यूज करते हो इनफैक्ट जब मैंने आपको दिखाया था ये एमनिस्ट वाला डेटा सेट यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मैंने स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ किया है अब क्या डिफरेंस होता है स्पार्स कैटेगोरिकल में और सिर्फ कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी में एक्चुअली ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है जो आपका डेटा है वो ऐसा है मैं एक बार डेटा फिर से बना रहा हूँ सेवन सेवेंटी वन एट एट्टी इसको यस बोल देते हैं इसको नो no बोल देते हैं सिक्स सिक्सटी मे बी बोल देते हैं ठीक है तो जब आप क्रॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाते हो तो आप अपने डेटा को वन हॉट इनकोड करते हो और जैसा मैंने बताया उस तरीके से काम करते हो बट जब आप स्पार्स कैटेगोरिकल एंट्रोपी आ, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाते हो तो आप अपने डेटा को इंटीजर इनकोड करते हो मतलब इसको दे दिया वन नो no को दे दिया टू और इसको दे दिया थ्री बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है आप एग्जैक्टली exactly यही आर्किटेक्चर यूज करोगे इसी तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होंगी सब कुछ सेम रहेगा बस लास्ट में क्या होगा मान लो आपका जो प्रिडिक्शन था वो ये आया आपके तीनों इॉन से मान लो ये आपका प्रडिक्शन आया और आप पहले पॉइंट की बात कर रहे हो तो पहले पॉइंट के लिए आउटपुट जो ट्रू वैल्यू है वो वन है और ये मेरा प्रिडिक्शन है अब देखो लॉस कैसे कैलकुलेट होगा लॉस कैलकुलेट करना बहुत ईजी है लॉस फिर से सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा यहाँ पर आप सिंपली देखोगे कि ये वन है या टू है या थ्री है इस केस में वन है तो आप सिर्फ इसको पकड़ोगे इन दोनों को भूल जाओगे और फिर आप ये कोट लिखोगे या ये सॉल्व करोगे माइनस वाई वन वाई वन का वैल्यू आप हमेशा वन ही लोगे क्योंकि आप वाई वन के साथ काम कर रहे हो और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे लॉग ऑफ ये फर्स्ट वाले से पॉइंट वन ठीक है मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मान लो आप इसके साथ काम कर रहे हो ठीक है और मान लो आपका आउटपुट ये आया है पॉइंट वन पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स तो अब आप क्या करोगे आप पता करोगे कि कौन सा आपका लेबल है सेकेंड लेबल है तो आप ये फर्स्ट वाले को भूल जाओगे लास्ट वाले को भूल जाओगे सिर्फ इसको पकड़ोगे इसमें भी y2 का वैल्यू आप वन मान लोगे और आप ये लिखोगे माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ यहाँ से आप सेकेंड वाले को ले लोगे और आप पॉइंट फोर निकालोगे ठीक है लास्ट एग्जांपल देखते हैं ये रहा लास्ट वाले को आपने पकड़ा मान लो आपका ये आया पॉइंट सिक्स पॉइंट टू पॉइंट टू अब आप क्या करोगे सिंस आपका ये वाला लेबल थ्री है तो आप सिर्फ इस वाले को पकड़ोगे इसको भी भूल जाओगे इसको भी भूल जाओगे वाई थ्री को वन मान लोगे और आपका आंसर ये होगा लॉग ऑफ जो भी थर्ड वाला है तो इन शॉर्ट स्पार्स कैटेगोरिकल एंट्रोपी और क्रॉस कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ये दोनों होते सेम है सेम ही लॉस फंक्शन होता है देर इज नो डिफरेंस सेम ही लॉस फंक्शन है देर इज़ नो डिफरेंस बस काम करने में आप थोड़े से अजम्पन्स ले लेते हो फायदा क्या होता है कि स्पार्स कैटेगोरिकल एंट्रोपी कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी थोड़ा सा फास्ट होता है बिकॉज यहाँ पर आप क्या कर रहे हो बाकी के दोनों लॉग्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो ये जब आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं उस केस में ये थोड़ा सा फास्ट होता है इसीलिए बोला जाता है कि आप स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करो बिकॉज इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वन हॉट इनकोडिंग नहीं करना पड़ता और सेकेंड ये फास्ट होता है ठीक है तो अगर आपके पास खूब सारी क्लासेज हैं तो यू शुड यूज स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ठीक है दैट्स द पॉइंट अब ऑल्सो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि एक पॉइंट के लिए फॉर अ सिंगल पॉइंट आपका लॉस फंक्शन ये होता है जे इज इक्वल टू वन से लेके के वाई जे लॉग वाई जे ये है मैंने ऊपर ये लिखा था ये तो हो गया एक पॉइंट के लिए अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ इसका कॉस्ट फंक्शन का इक्वेशन क्या है मतलब अगर आपको सबका एक साथ निकालना है तो क्या करोगे तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला होता है वन बाई एन या माइनस वन बाय एन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन सिग्मा जे इज इक्वल टू वन से लेके के वाई आई जे लॉग वाई आई जे और यहां पे भी बाय द वे ये लगेगा ठीक है ये फॉर्मूला होता है ये कॉस्ट फंक्शन का हो गया और ये लॉस फंक्शन का हो गया ठीक है तो यही फंडा है बस तो अभी तक का डिस्कशन अगर हम समराइज करें तो अगर आप रिग्रेशन के साथ काम कर रहे हो तो यूज़ एमएसई अगर डेटा में आउटलायर्स हैं तो यूज़ एम ए अगर आप क्लासिफिकेशन के साथ काम कर रहे हो एंड लेट्स से आप बाइनरी क्लासिफिकेशन के साथ काम कर रहे हो देन यूज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी अगर आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के साथ काम कर रहे हो और अगर आपके पास कम कैटेगरीज हैं तो यूज़ कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी बट अगर आप बहुत सारी कैटेगरीज़ के साथ काम कर रहे हो तो यूज़ स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ठीक है यही डिस्कशन हमने अभी तक किया ऑल्सो अगर आपके पास आउटलायर्स और नॉर्मल का मिक्सचर है तो यू कैन यूज़ ह्यूबर लॉस ये भी हमने देख लिया है. ठीक है तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई ओके okay? सो दैट वॉज द वीडियो वाइज आई नो थोड़ा लंबा है और मतलब थोड़ा सा टेक्निकल हो गया और काफ़ी सारा मैथ हमने डिस्कस किया बट ट्रस्ट मी अगर आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया अगर एक बार में नहीं आया तो प्लीज़ एक दो बार और देखो आ, समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है ठीक है अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए जिसका नाम है बैक प्रपोगेशन जिसको यूज़ करके हम सीखेंगे कि एक न्यूरल नेटवर्क को कैसे ट्रेन किया जाता है सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जाते जाते एक रिक्वेस्ट अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर देना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय